दूसरी चीज क्या है कि अकेला आदमी ये काम नहीं कर सकता है। एक आदमी सोचे क्या कर, अब बात मालूम पड़ गई अपनी नफ्स को पाक करना है, कि अल्लाह ने खुद कहा कुरान के अंदर ये कामयाब हो गया जिसने अपनी नफ्स को पाक किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आदमी खुद नहीं कर सकता, और ये सबसे अहमती ऐसी चीज़ है कि इंसान को खुद को पता है ये सब चीज़ें, किसी दूसरा उसको नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी नफ्स के बारे में उसको मालूम। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अकेला नहीं कर सकता, तो वो क्या करे कि ऐसे उसको एक मौलिम की ज़रूरत है, एक उस्ताद की ज़रूरत है, एक आलिम की ज़रूरत है जो तज़किया नफ्स के बारे में पूरा इल्म रखता हो, जानता हो, तो उसके मातहती में रहे और उससे उसका जिक्र करे कि ये मसला है, इसको कैसे किया जाएगा, कुरान हदीस की रोशनी में बताइए, वो आपको बताए, ताकि वो आपको बताएंगे तो आपकी नफ्स पाक होगी। नहीं तो क्या होता है कि हम जिस चीज़ को साफ़ कर रहे हैं और वही चीज़, क्योंकि नफ्स क्या होती है, वो भी तो नफ्स भी वसवसे डालती है, शैतान तो डालता ही है, लेकिन नफ्स भी क्या करती है, वसवसे वही तो डालती है, नफ्स भी डालती है, भाई रुक जाओ अभी क्या काम है, कहाँ जा रहे हो, उठ कर दुकान पर गिरा के चल रही है और तुम जो नमाज के लिए चले जा रहे हो, बाद में पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना नमाज, 27 गुना तो कम होगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है, नमाज तो हो जाएगी ना, फ़र्ज़ तो पूरा हो गया ना, अब वो नफ्स ने उसको, तो वो नफ्स क्या करती कि उसको बार बार, हालांकि नफ्स मलामत भी करती है, एक नफ्स कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि नफ्स क्या आती है, मलामत भी करती है, वो छोड़ रहा है ना, फिर अंदर से मलामत करेगी, अरे छोड़ क्या काम है, अरे जाना एक दिन मरना है क्या, पैसा साथ में जाएगा, दुकान साथ में जाएगी, चलो वहाँ उस दोनों के बीच में उसने अगर उस नफ्स को गालिब कर दिया और मलामत उसने मान ली तो उठ के चला जाएगा, और नहीं माना नफ्स के अंदर कंट्रोल को छोड़ दिया तो फिर वो रुक जाएगा, और फिर जैसे ही रुका तो उसके बाद शैतान भी आ जाएगा, बस उसका काम हो गया, अब वो उसको ठहराता रहेगा, रुक जा, अरे अभी रुक 15 मिनट, अभी तो बहुत देर है, अभी तो वो 2 घंटे पड़े हैं, अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी रुक जा, अरे ऐसे क्या हो जाएगा, वो आखिरी में पहुँच जाएगा। फिर अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि अभी ये नमाज पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है ये, फिर क्या करता है, कौवे के जैसे ठोके मारता है, और टाइम ही नहीं बचा, 10 मिनट बचे, अब अगली नमाज का वक्त आने वाला है, वो जल्दी जल्दी मचाएगी, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आएगी। तो उसको पाक करने के लिए वो क्या करे, एक मौलिम को तलाशे जो इसका इल्म रखता हो और उसकी जो है वो उसका जाहिर के साथ में उसका बातिन भी जो है पाक करे। तो रहनुमाई की ज़रूरत होती है, तो उलमा की ज़रूरत है इसके अंदर, कि उलमा को हम जाने, उनके से मुलाकात रखें जो गहराई से इसका इल्म रखते हो तज़किया नफ्स के बारे में, तो मुत्तकी परहेज़गार हो, उसके मातहत रहें, क्योंकि आज़ादी में फ़ायदा नहीं, हम सोचे यार अब बार बार हर चीज़ के अंदर मैं जाके जो है आलिम से पूछूं, उलमा से पूछूं, बार बार हर चीज़ के लिए, इसके लिए क्या करूं, इसके लिए करूं, अरे यार इससे तो आज़ादी हर को पसंद है, कौन पाबंदी में रहना चाहता है, लेकिन दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी जो हमको पाना है तो उसके अंदर आज़ादी हमको नहीं दी गई है। आज़ादी तो दी है अल्लाह ने, कि एक आदमी अपने अल्लाह ने उसको भेजा दुनिया के अंदर, तो वो क्या है, आज़ाद है, वो आज़ाद है, उसको अल्लाह ने इख्तियार देकर भेजा, चाहे तो माने चाहे तो ना माने, लेकिन उसके साथ पाबंदी भी भेजी, बोले ये जो है पाबंदी क्या है, किताब है, इसके अंदर मेरी पाबंदियां हैं, ये रसूल है जो तुमको बताएंगे इस किताब के अंदर किस तुमको हद के अंदर रहना है। तो इस्लाम आज़ादी पे रोक नहीं लगाता, लेकिन हद लगाता है, हद लगाता है, तो उस हद के अंदर उसको रहना है, कि आज़ादी में फ़ायदा नहीं, आज़ादी के अंदर नुकसान है, क्योंकि हम गौर करें, हमारे बच्चा है छोटा हमारे घर के अंदर, या हमारी औलाद है, खुद का बच्चा है, तो हम चाहते हैं कि उसको आज़ाद छोड़ दें, हम चाहते हैं कि वो आज़ाद रहे, उसको हम आज़ाद नहीं रखते, क्यों नहीं रखते, क्योंकि उसको नुकसान है, वो बच्चा है अकेला ट्रैफिक में, वो खुद दौड़ के जाने लग जाए, हम उसको पकड़ते नहीं नहीं, बोले अरे अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया, बच्चा कहे कि भल्ला अल्लाह ने आज़ाद किया, तुम मुझे बार बार क्यों पकड़ के रखते हो, तो बोले भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी में आ जाएगा, तेरे को मालूम नहीं, सीढ़ियों पर तेज तेज दौड़ा, रोकेंगे रुक जा भाई, इधर ऐसे नहीं दौड़ना, मारूंगा नहीं तो, क्यों भाई उसकी आज़ाद है ना, छोड़ दो उसको, लेकिन हमको क्यों नुकसान होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा उसको, तो हम बच्चे को आज़ाद नहीं छोड़ते, क्यों, क्योंकि आज़ादी में उसका नुकसान है। तो हम अपने आप को भी आज़ाद छोड़ देंगे तो क्या होगा, आज़ादी में हमारा नुकसान है, तो हमको पाबंदी में रहना है, तो उसके अंदर रहनुमा की हमको ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो नुकसान होता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के अगर पास बीमार हो गया पेशेंट, गया अक्सर बीमार हो गया, ये हो गया, फिर डॉक्टर क्या कहता है कि भाई अब तुम पाबंदी में आ जाओ, अब तुमको ये नहीं खाना, तुमने बहुत खाया बंद करो, ये नहीं खाना, शुगर तुमको हो गई है, चलो मीठा बंद करो, भाई क्या डॉक्टर डॉक्टर क्या आज़ाद, मेरी को पाबंदी लगा दी, मैं तो खाऊंगा, नुकसान किसका है, आपका है, डॉक्टर का नुकसान थोड़ी, डॉक्टर तो कहेगा उसमें बताएगा परहेज, ये परहेज रखोगे, दवाई खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, और अगर नहीं करेंगे, मैं नहीं मानता डॉक्टर डॉक्टर की, मैं दवाई भी नहीं खाऊँगा और परहेज भी नहीं करूँगा, तो आपका नुकसान। तो आज़ादी के अंदर फ़ायदा नहीं है, पाबंदी के अंदर फ़ायदा है।
तो हर जगह हम दुनिया में भी देखें, ज़िंदगी के तमाम शोबे के अंदर भी हम देखें, चाहे हमारे काम का मामला, एक आदमी मैकेनिक है और वो खुद की गाड़ी, वो सोचे गाड़ी ठीक करना है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, अब बिना उस्ताद के मैकेनिक, उसको मालूम ही कुछ नहीं, पेचकस लिया पूरी गाड़ी को खोल दिया, अब मालूम नहीं ये स्प्रिंग कहाँ से निकाली है, पार्ट्स कहाँ से निकाला पता ही नहीं, क्यों? अगर वो किसी की रहनुमाई में खोलता, जो मैकेनिक है, जो उस चीज़ का माहिर है, जो उस्ताद, उसके सामने खोलता तो उसको बताता भाई ऐसे ऐसे खुलेगा, ऐसे ऐसे इस पार्ट्स को अलग अलग रखना है, फिर इसको ये साफ़ करके इसको फिर ऐसे पिक करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, वो गाड़ी को नुकसान कर बैठेगा, वो गाड़ी ख़राब कर बैठेगा। तो दुनिया में भी हम देखते हैं कि तमाम चीज़ें, हम दुनिया में जो भी काम करते हैं तो हमारे पास में एक उस्ताद हम तलाश करते हैं, इसके मातहत रह के काम सीखना पड़ेगा। दुकान खोली तो हम दुकानदार के पास जाते हैं, ये अच्छा ताजिर है, इसकी दुकान अच्छी चलती है, भाई तुम्हारे यहाँ पर रख लो, तो वो वहाँ पर जाकर सीखते हैं, 4 से 6 महीने साल भर सीख जाते हैं, फिर सीखने के बाद में फिर वो सीख गए, उसके बाद में क्या होता है, फिर दुकान खोलता है तो चलती है, अगर एसी खोल लेगा तो नुकसान होगा। तो अपने आप को किसी मातहती में रखेगा तो वो होगा। तो ये ईमान तो एक आदमी को चाहिए कि वो पहले इल्म के मातहत रहकर अपनी नफ्स का तस्किया करे, उनकी रहनुमाई के अंदर करे कि ये चीज़ें मुझे जो है मेरी चीज़ अंदर बुरी है तो मैं इसको कैसे साफ़ करूँ, तो वो बताएंगे कि तुम ऐसे इसको साफ़ करो, खुद करेगा तो नुकसान में होगा। तो ये एक